हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुल्तानी मिट्टी जो है ना, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट में से है। इनका यूज़ जो है स्किन के लिए किया जाता है और ये स्किन को ग्लोइंग और रेडिएंट बनाए रखने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा ऑयल को स्किन से, अगर एक्स्ट्रा ऑयल है या गंदगी है तो उसे बाहर निकालने का काम करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि किसी भी तरह का इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये पूरी तरह नेचुरल है। और मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करने के बाद आपको खुद ही फ़र्क दिखेगा अपने स्किन पे। तो आज मैं इस वीडियो में मुल्तानी मिट्टी के कुछ ऐसे ही फेस पैक लाए हैं जिससे आपकी स्किन में गजब का निखार आएगा। हाँ, बट आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें, सो डेट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुल्तानी मिट्टी की हेल्प से पहला फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए जस्ट आलू का रस और मुल्तानी मिट्टी। आलू का रस जो होता है वो नेचुरल रूप से स्किन को चमकदार बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस जस्ट एक आलू को छीलकर उसको कद्दूकस कर लें और कद्दूकस किए हुए आलू को कॉटन कपड़े या मलमल के कपड़े से अगर आप उसको निचोड़ेंगे तो आलू का रस निकल जाएगा। अब आप इसमें जो जो भी जूस इकट्ठा हुए हैं उसमें आप एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिला दें और इससे अच्छी तरह एक पेस्ट तैयार कर लें। हाँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसमें ऑयल थोड़ा डाल दें, विटामिन ई या ऑयल डाल दें। ऑयल नारियल का तेल भी डाल सकते हैं। जब एक एक स्मूथ पेस्ट बन जाए तो इस पेस्ट को आप चेहरे पे और गर्दन पे लगाएं और 10 से 15 मिनट तक के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दें। जब 10 से 15 मिनट हो जाए तो ठंडे पानी से वॉश कर लें और फेस को वॉश करने के बाद फेस में टोनर और मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए जस्ट एरोवेरा और मुल्तानी मिट्टी। अगर वीकेंड में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो आप एरोवेरा का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक कटोरी में एक चम्मच एरोवेरा जेल लेना है और उसमें मुल्तानी मिट्टी बनाना है और दोनों को अच्छी तरह पेस्ट बना दें। अगर आप चाहें तो इसमें 2-4 बूंद पेस्ट बनाने के लिए गुलाब जल भी ऐड कर लें। जब एक स्मूथ पेस्ट बन जाए देन इस पेस्ट को चेहरे पर और गर्दन पर लगाएँ और 15 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ दें। 15 से 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लें और फेस को वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट फेस पैक जो कि ग्लोइंग स्किन के लिए है, इसके लिए आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और दही। आप चाहें तो कस्तूरी हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं और जो नॉर्मल खाना बनाने में यूज़ होता है वो हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जस्ट 2 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी चाहिए, उसमें 1 टेबलस्पून दही और चुटकी भरी हल्दी मिलाना है। हल्दी ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा अच्छा है, इससे नुकसान नहीं होगा फेस को। अब इन तीनों को मिला दें आप, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और दही, इन तीनों को मिलाकर अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर लें। हाँ, ध्यान रहे कि गांठ ना बने, एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और अराउंड 15 से 20 मिनट तक के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दें। जब 15 से 20 मिनट हो जाए तो नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लें और फेस पैक लगाने के बाद वैसे भी मॉइस्चराइज़र ज़रूर अपने फेस पे लगाना चाहिए। तो जब भी आप फेस पैक लगाने के बाद फेस धोएं तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा दें। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।